Oh my god, I got it. Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So, thank you so much. आप जितना भी प्यार अभी तक देते आ रहे हो, मैं अभी भी believe नहीं कर पा रही हूँ, जबकि हमने 25K cross कर लिया है, guys. It still feels like I am dreaming right now. Dreaming भी नहीं बोलूँगी, मैंने dream भी नहीं सोची थी ऐसी. But yeah, coming back to this video, I am really, really, really excited. Now you must be thinking, really excited. मैं हर video में बोलती हूँ, but this time I am actually excited because मैं बचपन की जितने भी artworks थे, उनको मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया है. Not even my friends, my family members. So yes, I just hope you guys love this video because I am way too excited to share this with you guys. Also, ये part one है, part two भी आएगा. जैसा कि मैंने बताया कि मैं designing की student रही हूँ, so I would love to share what I learned during my college time and I would love to share those pieces with you guys. So yeah, without wasting any moment, let's start the video. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट जज मी कैसा मैं पेंट करती थी या मैंने कैसे रखा हुआ, बिकॉज मैंने बस लाके इधर रख दिया है. इवन आई डोंट नो इनके अंदर क्या क्या पेंटिंग्स हैं, सो इट इज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल. आई एम श्योर मैं आधे से ज्यादा पेंटिंग्स खुद भी भूल चुकी होंगी. दिस इज वॉट माई पेन वर्क लुक्स लाइक. एंड अब रिसेंटली बॉल पेन से स्केचिंग करना या शेडिंग करना स्टार्ट ही किया था. दिस वॉज वन, देन आई हैव मैनी अदर पेंटिंग्स गाइज. This is one pencil shading which I did. I don't even remember ये मैंने कब किया होगा. Then I'll keep a different section for my cards as well. So there is this thing with me guys. कुछ भी घर पे चीज होती थी, मेरी मम्मा से लड़ाई होती थी, डैडी से लड़ाई होती थी, कोई फेस्टिवल्स होते थे, किसी का बर्थडे होता था, सिर्फ मेरा काम होता था कार्ड्स बनाना एंड उनको देना. सो देर इज दिस मेमोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. अगर मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाती थी तो मैं उनके लिए आई एम सॉरी वाला कार्ड भी बनाती थी एंड इतने इनोवेटिव वे में मैं हमेशा बनाती थी. आई एम नॉट श्योर अगर मम्मा ने वो संभाल के रखा होगा कि नहीं, बट या एनी वे नाउ आई एम गोना शो यू द कार्ड्स आई हैव राइट नाउ विद मी. सो यस, दिस इज रक्षाबंधन ग्रीटिंग कार्ड. ओ माई गॉड, दिस इज शुभ दीपावली ग्रीटिंग कार्ड. आई गेस तब मैं बहुत छोटी थी. सी इट्स रिटन आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड. दिस इज लुकिंग सो क्यूट. ओ माई गॉड. एनी वे मूविंग ऑन, नाउ दिस कार्ड आई थिंक दिस was for my dad. Then there is this Merry Christmas card. As you can see, अंदर तो कुछ होता नहीं है, सारी मेहनत front page पे ही होती है. So yeah, moving on. Okay, I have another Merry Christmas card. I'm not sure मैंने कब किया है. Mama and Daddy, Happy Xmas and Happy New Year, 2007. Good luck, sweet daughter, Shivangi the Great. Oh my God. Maybe I think I was self-obsessed. इसीलिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं. But मैं असल ज़िंदगी में ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ. I have no idea मैंने किस अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ लिखी थी. And now I have this congratulations card. Oh God. And this is a happy रक्षाबंधन card for my brother. जिसके अंदर बस लिखा हुआ है happy रक्षाबंधन शिवांगी सा क्लास नाम and I am done. Okay guys, so ये सबसे cute card है. आई थिंक मेरे डैडी तब कहीं बाहर जा रहे थे एंड मैंने ये हैव अ सेफ एंड नाइस जर्नी का कार्ड बनाया था. एंड आई टोल्ड यू राइट कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव ट्राई करने का कोशिश करती थी, हालांकि मेरी ड्राइंग उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी. बट या सो इट इज समथिंग लाइक बीच में क्रोप है एंड ये बुके यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, विच इज सो क्यूट. एंड लिखा है फ्रॉम मी टू यू. ओ गॉड. इनफैक्ट मुझे लगता है डैडी भी भूल गए होंगे, इसको मैं अभी जाके दिखाऊंगी यार. बट यस, बिफोर दैट आई हैव अनदर कार्ड विद मी. ओ माय गॉड, दिस इज एक्चुअली प्रिटी. ये मिक्स मीडिया है, आई गेस मैंने इसमें कलर पेंसिल्स एंड वाटर कलर्स यूज करे हैं. एंड दिस इज फॉर माय मदर. नाउ यू सी मैंने अपने पेरेंट्स को कितने कार्ड्स दे देके पैम्पर किया हुआ होगा बचपन से ही. एंड यस, मूविंग ऑन, आई हैव फ्यू ड्रॉइंग्स. ये मैंने कलर पेंसिल से की है. दिस इज सम रैंडम पोस्टर कलर पेंटिंग्स. दीज आर मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग्स. ये सीरियसली 10 to 12 ईयर्स ओल्ड है. देन दिस इज दिस कलरफुल ट्री विच आई एम हेटिंग राइट नाउ, बट एज आई सेड आई डू नॉट थ्रो माई स्टाफ. बट या मूविंग ऑन, आई हैव फ्यू स्टिल लाइफ पेंटिंग्स विद मी. ये वाटर कलर से बनाया है एंड आई गेस आई हैव मेड दिस यूजिंग पोस्टर कलर्स एंड स्टिल लाइक इट. ये सारे 9 ईयर्स पुराने हैं गाइज. आई हैव दिस एज वेल. आई एम नॉट श्योर ये मैंने किसको बनाया है, बट आई थिंक आई लाइक इट. ये मैंने वाटर कलर्स को यूज करके बनाया था. एंड लुक एट दिस गाइज. ओ माई गॉड, तब मैं के जी में थी वेन आई मेड दिस. दिस इज जस्ट सो स्वीट. एंड देन आई हैव फ्यू मोर पेंटिंग्स. तब मैं 7th में थी वेन आई मेड ऑल दिस. यस, यू कैन सी इट्स रिटन इट्स 2007 और 2008. बट या आई गेस देर आर अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स. आई विल ट्राई एज मच एज आई कैन शो यू, बट मैं सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं तो वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी, विच
we all don't want. Okay, so these are very old sketchbooks and oh my god, I guess I was in first class jab maine start kiya tha ye sab karna. And look at these random drawings, guys. I had no idea maine kabhi Winnie the Pooh try bhi kiya hoga. Oh my god, look at these oil pastel drawings. These look so cute. Anyway, moving on. ये बहुत छोटे बच्चे, ओ गॉड, ये भी फर्स्ट क्लास की है. ओ गॉड गाइस, जस्ट लुक एट दिस वेजिटेबल्स एंड डक्स. ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट सो क्यूट गाइस. आई थिंक मुझे बचपन में एलिफेंट से ज़्यादा ही प्यार था, इसलिए मैंने हर जगह एलिफेंट्स बनाए हुए हैं. बट यस, मेरा फेवरेट एनिमल अभी भी एलिफेंट ही है. आई डोंट नो व्हाई, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं. एंड नाउ आई हैव दीज ड्राइंग्स. आई थिंक ये मैं तब फर्स्ट या सेकेंड क्लास में थी, मैंने ही तब बनाए थे. बचपन की जो पेंटिंग होती है उसमें एक अलग ही लेवल का इनोसेंस होता है गाइज. हम बिना लॉजिक के, बिना सेंस के जो क्रिएट करते हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी क्यूट. लुक एट दिस, सो एक अलग ही ब्यूटी है यार बचपन की हर चीज़ की. ओके, आई गेस दिस इज रक्षाबंधन स्पेशल ड्राइंग बाय शिवांगी सा द डिज़ाइन पैलेट. जब मैं बना रही होंगी, आई डोंट थिंक सो मैंने कभी सोचा होगा कि मैं कोई आर्ट चैनल चलाऊंगी यार फ्यूचर में. मैंने इनफैक्ट कभी भी नहीं सोचा था, आज से एक साल पहले भी नहीं सोचा था कि मैं कोई आर्ट चैनल बनाऊंगी. मूविंग ऑन, ओ गॉड, I have my progress report card here, but I'm not gonna show you guys. पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई है. ओके, आई गेस इस टाइम पे मैंने तब नया नया पेंटिंग करना सीखा था, वाटर कलर पेंट्स. आधे से ज़्यादा चीज़ें काफ़ी इनकम्प्लीट हैं, बट यू कैन गेट एन आइडिया राइट मैं कैसा पेंट करती थी. ओ माई गॉड, आई सी साई बाबा की पेंटिंग ओवर हियर. आई हैड नो आइडिया कि मैंने कभी साई बाबा को ट्राई भी किया था, बट येस, दिस सीन्स मैंने बचपन में ट्राई किया हुआ है गाइज. ऑल्सो गाइज, मैं वीकेंड्स पे आर्ट क्लास जाती थी एंड मैंने हमेशा से आर्ट क्लास स्विच करती रही हूँ मैं यहाँ से वहाँ. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरी मम्मा मुझे और भैया को लेके जाती थी आर्ट क्लास के लिए. एंड अगर 2 घंटे की आर्ट क्लास होती थी तो मम्मा 2 घंटे तक बाहर बैठी रहती थी क्लास के वहाँ पे, बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे रहते थे. सो येस, आई फील जो भी मैं हूँ उसका बहुत ज़्यादा रोल मेरे पेरेंट्स का भी है, बिकॉज दे यूज़ टू सिट देयर, दे यूज़ टू ट्रैवल विद मी जिससे मैं आर्ट सीख पाऊँ. एडिशनली आई रिमेंबर, जैसी समर वेकेशंस होती थी, तो आई एम नॉट श्योर अभी ये होता है कि नहीं, बट हमारे टाइम पे समर वेकेशंस में हॉबी क्लासेस शुरू हो जाती थी एंड उस टाइम पे मम्मा मुझे और भैया को लेके जाती थी एंड खुद को भी इनरोल कराती थी. एंड हम लोग ऐसे यू नो छोटी छोटी क्राफ्ट की चीज़ें साथ में बनाते थे एंड पेंटिंग करते थे. सो आई हाईली रिकमेंड आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो, कितना मज़ा आता है. एंड अगर मैं अपने पुराने टाइम को याद करूँ, मुझे ये सारी मेमोरीज ही मुझे लगता है मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं अपने चाइल्डहुड की. सो या नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो गाइज, ऑफकोर्स स्कूल टाइम पे हम लोग पेंटिंग तो करते ही थे, साथ में उसके समर वेकेशंस के टाइम पे हमें काम मिलता था स्क्रैप बुक्स वगैरह बनाने का. सो आई हैव दो स्क्रैप बुक्स एज वेल, बिकॉज हमेशा से मुझे इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट था. ये मैंने सारी चीज़ें खुद बनाई हैं, कट करके पेस्ट करी हुई हैं. सो या एज यू कैन सी कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं. ऑफकोर्स अब ये थोड़ा देख के ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप लग रहा है. एंड नाउ इमेजिन, हमें हर सब्जेक्ट का स्क्रैप बुक मिलता था, मैं इसी में ही लगी रहती थी. मैं उन बच्चों में से थी, समर वेकेशन शुरू होने से पहले ही मैं अपनी ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती थी. सो येस, इससे पता चलता है कि मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड थी एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स को चीज़ पता थी मेरे बारे में. एडिशनली गाइज, आई हैव फ्यू मोर स्क्रैप बुक्स एंड लुक एट दिस, सारा बचपन का काम है ये मेरा. सो देर इज दिस थिंग गाइज, वॉट आई फील इज काफ़ी लोगों को लगता है अरे ये तो गॉड गिफ्ट है, या ऑफकोर्स बाई गॉड्स ग्रेस हर चीज़ पॉसिबल होती है, बट आर्ट इज समथिंग जो स्किल आप विद टाइम लर्न करते हो. हम बचपन से ही सीख के नहीं आते हैं, हम विद टाइम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग इज समथिंग, लोगों की आवाज़ पहले से ही अच्छी होती है राइट, बट ड्राइंग इज समथिंग जो हम विद टाइम डेवलप कर सकते हैं अपने स्किल्स को. सो येस, इफ़ यू आर नॉट दैट मच गुड एट ड्राइंग और पेंटिंग, इट इज़ टोटली फाइन. अगर आप थोड़ा उस पर बस टाइम इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली 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 आप जो आज पेंट करोगे, आपकी आज की पेंटिंग हमेशा बेटर होगी आपकी कल की पेंटिंग से. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझे तो सब आता है, इवन आई नीड टू लर्न. आपको पता है जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैंने तब से लेके अभी तक खुद कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया पेंटिंग में, स्केचिंग में, ये मुझे खुद से फील होता है.
सो यस, आर्ट इज़ अ जर्नी. आपकी पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है गाइस कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके स्किल्स उतने ही ज़्यादा बेटर होंगे. हमेशा बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग पे चली जाती है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर मुझे ये चीज़ थोड़ी कंट्रोल में करनी चाहिए. सो कमिंग बैक टू दिस, तो ये मेरी इंग्लिश स्क्रैप बुक थी. मैंने इसके कवर पेज पे भी अच्छे से पेंट किया हुआ है, देन इसे स्टिक किया हुआ है स्क्रैप बुक पे. देन दीज आर सम टैटू डिज़ाइंस. पता नहीं रैंडमली मुझे 11th क्लास में ऐसा हुआ कि मैं टैटू डिज़ाइंस बनाऊंगी, एंड मैं आई यूज्ड टू जस्ट स्क्रिबल ऑन माय नोटबुक. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ओके गाइस, सो दिस इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं भी प्रोवाइड कर रही हूँ. 11th 12th क्लास में मैंने साइंस लिया था मम्मा के कहने पे. माय पेरेंट्स एक्चुअली वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, एंड आई वाज लाइक ठीक है कर लूँगी. बट जैसे मैं 11th क्लास में मैंने स्टार्ट किया, आई वाज लाइक साइंस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ पाती थी चीज़ें, बिकॉज मेरा इंक्लिनेशन किसी और चीज़ पे था. बट या आई कंप्लीटेड माय 12th साइंस की स्ट्रीम के साथ ही. बट उसके बाद आई वाज एडमेंट कि नहीं, मतलब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और करना है. सो उससे पहले मैंने डिज़ाइन कॉलेजेस के लिए कुछ पोर्टफोलियोज क्रिएट करे थे घर पे बैठ के. And I'm gonna show you what all things I did at that time. It's been like, I think ये 2011 या 12 का है, and यही सारा portfolio I would say मैंने अपने design colleges के entrance में दिखाया था. So yes, ये सारे pencil sketches हैं. There are pencil shadings, and yes, as you can see मैंने काफ़ी ज़्यादा study करी थी उस point पे हर चीज़ को लेके. And I hope you guys are liking it till now. And अगर आपको ये video अच्छा लग रहा है, don't forget to comment down below and like this video. And of course, do not forget to subscribe as well. So yeah, and this is one more art piece, and I totally love this one. Do let me know in the comment section below if you like it. I hope guys, मैं इस video के through आप लोग को bore नहीं कर रही. So please comment down below and let me know आप लोग bore तो नहीं हुए ना. And yes, I guess I am really happy that I still have all of this. And just a disclaimer that मैंने जो भी 4 साल तक सीखा है, मैंने वो चीज़ें अभी इस पूरे वीडियो में ऐड नहीं करी है. मैं उसके लिए part 2 वीडियो बनाऊंगी. So stay tuned. And yes, look at this. ये बहुत प्यारा लग रहा है. I used to just copy whatever was there in the internet, and now मैं खुद के designs बनाती हूँ. So thankfully by God's grace, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी satisfied हूँ. मैं जिस profession में हूँ, I feel so happy कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था मैंने वही चीज़ कर रही हूँ. सो मुझे काम काम नहीं लगता. मतलब मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सिर्फ बैठ के काम कर सकती हूँ, बिकॉज आई सीरियसली लव माई जॉब. आई लव वॉट आई डू. जो एक्साइटमेंट मुझे स्कूल टाइम पे समर वेकेशंस पे होती थी ना, जब हमें स्क्रैप बुक्स बनाने को मिलती थी, आई थिंक वो एक्साइटमेंट मुझे रोज़ सुबह उठ के होती है ये सोच के कि दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई एम गोना डू टुडे. एंड मुझे लगता है उसी चीज़ पे यूट्यूब इज़ लाइक अ चेरी ऑन माई केक. And that is all because of you guys. So, पता नहीं मैं कितनी बार आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी. आई थिंक मैं रोज़ ही आप लोगों को थैंक यू बोलती रहूँगी, बिकॉज टुडे वॉट आई एम इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज. ओके गाइज, सो फाइनली आई एम डन शोइंग यू गाइज माई आर्ट कलेक्शन. एंड मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तब आर्ट का इतना नहीं था स्कोप ही बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे टर्म्स ही ऐसे यूज़ होती थी. तब सबको लगता था आर्ट तो एक हॉबी है, डिज़ाइनिंग तो एक हॉबी है, या डिज़ाइनिंग है तो फैशन डिज़ाइनिंग है. बट अभी के टाइम पे गाइज, एक क्रिएटिव फील्ड इतना अच्छा कर रही है इंडस्ट्री में. सो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स में, या आपका इंक्लिनेशन है इस क्रिएटिव फील्ड में, देन आई वुड डेफिनेटली 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 रिकमेंड यू गाइज टू परस्यू योर ड्रीम्स. जस्ट गो ऑल आउट, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कितना स्कोप है इन चीज़ों का. आजकल के टाइम पे जो एक इंजीनियरिंग वाले बच्चे की वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू एक डिज़ाइनर की भी है, एक आर्टिस्ट की भी है. सो येस, आई एम डन फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरी आर्ट जर्नी सुन के. सो या, थैंक यू सो मच. ऑल्सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड यू गाइज नो मैं आने वाले टाइम पे और भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. सो यू नो यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट अवे, बिकॉज आप काफ़ी चीज़ें नहीं तो मिस कर दोगे और फिर आपको बुरा लगेगा.